हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बनाने जा रहे हैं मूंग की दाल। मूंग की दाल से अक्सर बच्चे और बड़े मुंह बनाते हैं। हम जब मूंग की ये पीली वाली दाल एक बार मेरे तरीके से बनाकर देखिए, बच्चे बड़े सभी उंगलियां चाटते रह जाएंगे और रोज़ जिद करेंगे कि यही दाल खाना है। देखिए, हमने एक बोल मूंग की दाल ले ली है, इसे अच्छे से वॉश कर लिया है। वॉश करने के बाद इसे हम कुकर में डाल रहे हैं। ये देखिए, हम इसे पहले बॉईल करेंगे। इसे आपको भिगोने की भी आवश्यकता नहीं होती है, डायरेक्ट ही ये बहुत जल्दी बन जाती है। ये देखिए, नीचे जो लगी है दाल वो भी हम इसमें डाल देते हैं। अब इसमें आप दो बोल पानी डाल लीजिए। ये देखिए, एक बोल दाल ली है और इसमें हम दो बोल पानी डाल रहे हैं। इसके बाद आप इसके अंदर हल्दी, नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिए, जितनी क्वांटिटी हो दाल की उसके हिसाब से। ये देखिए, उसके बाद इसमें हम एक टमाटर कट करके डाल रहे हैं। हम टमाटर जो है वो आप चाहें तो तड़के में भी डाल सकते हैं, लेकिन इसमें डाल देंगे तो उसका स्वाद जो है वो सब्जी के दाल के साथ में बहुत अच्छा आता है, जब हम इस तरीके से बॉईल करते टाइम ही इसे डाल देते हैं। नहीं तो बाद में तड़के में हमें इसे बहुत देर तक पकाना पड़ता है, तो उसके लिए आप साथ में ही इसे भी डाल दीजिए जब आप दाल को बॉईल कर रहे हैं। बस अब आप इसे कुकर का ढक्कन लगाइए और इसे एक सीटी आने तक के लिए गैस पे रख दीजिए। बस इस दाल को ज़्यादा टाइम नहीं लगता है बनने में। ये देखिए, यदि अचानक से मेहमान आ जाए या आपको कहीं बाहर से आए हैं तो फटाफट आप एक साइड इस दाल को चढ़ाइए और दूसरी साइड रोटी बनाइए और देखिए कितनी जल्दी आपका खाना रेडी हो जाएगा। ये देखिए, एक ही सीटी में कैसे बिल्कुल पूरी दाल जो है वो गल चुकी है। अब हम इसमें जितनी आपको पतली रखनी हो दाल, उस हिसाब से आप इसमें पानी डालिए थोड़ा थोड़ा करके और इसे हिलाते जाइए। और इसे बहुत ज़्यादा नहीं हिलाना है, क्योंकि ये दाल जो है वो एक सीटी में ही गल जाती है। यदि आप बहुत ज़्यादा हिलाएंगे तो ये बिल्कुल एकदम कड़ी जैसी हो जाएगी। अब हम इसे एक बॉल में खाली कर लेते हैं, जिसमें हमें इसे सर्व करना है उसी में हमने इसे खाली कर लिया है। ये देखिए, अब हम इसका तड़का रेडी करेंगे। तड़का रेडी करने के लिए ये देखिए, मैंने छोटे से फ्राई पैन में 2 चम्मच घी लिया है। आप चाहें तो घी की जगह पे ऑयल भी ले सकते हैं। जब तक ये गर्म हो रहा है घी, तब तक देखिए मैंने प्याज कट करके एक रख लिया है, हरा धनिया रख लिया है और हींग ली है हमने, और साथ में हम इसमें जीरा और लाल मिर्च डालेंगे। जब तक घी गर्म होगा तभी ये सब डालना है। ये देखिए, घी जो है वो गर्म हो चुका है। अब हम इसमें सबसे पहले हींग डालेंगे। हींग डालने के बाद आप इसमें जीरा डाल लीजिए। ये देखिए, अच्छे से जब जीरा फ्राई हो जाए फिर इसके अंदर हम प्याज डालकर उसे भी लाइट पिंक होने तक के लिए फ्राई करेंगे। ये देखिए, प्याज जो है उसे आप कंटिन्यू हिलाते जाइए, नहीं तो ये जलने लगेंगे, तो इसलिए इसे थोड़ा मध्य गैस पर ही फ्राई कीजिए। बहुत ज़्यादा गर्म गैस पे, तेज आंच पे नहीं करना है इसे फ्राई। ये देखिए, हमारे प्याज फ्राई हो चुके हैं। बस इस स्टेज पर गैस को कर दीजिए ऑफ और इसमें हमने डाल दिया है कश्मीरी लाल मिर्च और लाल मिर्च पाउडर। आप चाहें तो इसमें हरी मिर्च भी डाल सकते हैं यदि आप हरी मिर्च खाते हैं तो। ये देखिए, बस हमारा तड़का रेडी है। गर्मा गर्म इस तरीके से आप भी तड़का लगाइए। देखिए कितना बढ़िया आ रहा है, इसकी खुशबू बहुत ही बढ़िया आ रही है। जब आप ये तड़का लगाएंगे तो पूरे घर में महक उठने लगेगी और ऊपर से हम इसे हरे धनिए से गार्निश कर देंगे। ये देखिए, हमारी दाल बनकर रेडी है। आप इसे एंजॉय कीजिए। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।